एजुकेशन फॉर बेटर टुमरो। चलिए आज आम क्लास नाइन्थर एक्सरसाइज टू बी ज्योमेट्री रो एक्सरसाइज टू बी को एक्चुअली तार अनुसरणीगत क्वेश्चन को सल्व करते तार जो रिमेनिंग क्वेश्चन था एक्चुअली आम सल्व करवा। ओके तो डायरेक्टली चलो क्वेश्चन पक राइट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलो क्वेश्चन नंबर इलेवेन भेरी अनवर्ड चीज एक्चुअली हम से कहते त्रिभुज ए बी सी रे ए डी बीई एवं सी एफ मध्यमा त्रय। अच्छा मैंने तीन जन होती मध्य प्रमाण करार अच्छे ठीक। अच्छा प्रथम आम पाखे तो त्रिभुज ना तो फास्ट अफ अल आम कौन करवा अच्छा त्रिभुज ही अंकन करना राइट तो त्रिभुज टी अंकन करा जाओ गोटे काम कर ए बी सी त्रिभुज आगे अंकन कर दिया जाओ कही त्रिभुज ए बी सी ठीक अच्छे। ओके चलो त्रिभुज ए बी सी आगे अंकन कर ठीक अच्छे। चलो त्रिभुज ए बी सी आम अंकन कर दे। ओके देन देखा से जहाँ भी हो चलो नेमिंग इट नेम इट सपोज दैट वन इज योर ए देन बी देन सी। अच्छा तापर पार्ट्रे परवर्त पर्यायर से कौन कह त्रिभुज ए बी सी रे ए डी बीई एवं सी एफ हूँ मध्यमा त्रय। अच्छा गोटे काम कर प्रथम गोटे आग मध्यमा अंकन करतापर देखा ठीक अच्छे। एक्चुअली आम कंस्ट्रक्शन केमती हम कहले बोले कौच एक्चुअली एमती हम रईट इटा गोटे ए डी होगा मोर रईट देन बी टू ई एमती आसो रईट देन हूँ सी टू एफ जीव एमती जीव। ओके बट मुझे प्रथम आगे गोटे मात्र आम पाखे था परवर्त पर्याय कथा चिंता करा ठीक अच्छे। आगे धरदेव ए डी अच्छे ए डी हूँ मध्यमा अच्छे ठीक अच्छे कहीं मुझे बर्तमान फास्ट पार्ट को खाली सल्व करने जाऊँ सेकंड पार्ट तुमको सही कहीदे ठीक अच्छे और सल्व भी करदे। ओके इट इज नॉट एक्चुअली बिग डील तो फिर देख से कौन कहला यहाँ हूँ डी बिंदु राइट तो डी जदि मध्यमा है ना बोले दैट मीन बी डी इज इक्वाल टू सी डी लिखिपर मुझे लिखिदेगी जो इनफर्मेसन मैं देखिए रिक्वयर अच्छे बी डी इज इक्वाल टू सी डी एत कथ तो मतलब जमा पड़ जाए रईट। अच्छा तो फिर दत्तरे कौन अच्छे लिखिपर ए डी हूँ मध्यमा ए बी सी हूँ त्रिभुज जदि ए डी मध्यमा है इट मीन दैट कि बी डी इज इक्वाल टू सी डी दत्त पार्ट एत सर। ओके प्रामाण्य तुम्हारे यहाँ हूँ प्रामाण्य फास्ट पार्ट को आगे कर ठीक है यहाँ हूँ मोर प्रामाण्य पार्ट। ओके देन तापर आस एरा अंकन अच्छे रईट अंकन अच्छे कौन अच्छे अंकन कर जान कौन अच्छे अंकन बोली भाव ना गोटे काम कर। ओके अंकन हूँ कौन ना ए डी को गोटे काम कर किसी पर्यटन वर्धित कर कते पर्यटन वर्धित कर सपोज पी बिंदु पर्यंत वर्धित करते पर्यटन वर्धित कर पी कौ वे वर्धित वर्धित करी एवं पी बिंदु वर्धित कर पी सी को जोग कर रईट। ओके होगा चलो ये लिखिद जहाँ भी कल ताको आगे टी लिखिद उचित बर्तन ये हूँ पी बिंदु और पी सी को जो कर तो अंकन में कौन कहली ना ए डी इज इक्वाल टू डी पी अंकन कर एवं ठीक अच्छे ना पी सी को जोग कर। ओके ठीक अच्छे तो यहाँ को एमती आसे तो ये इक्वाल अच्छे दे पारि सिंबल सर एत काम करनी प्रमाण कौन करने जाऊँ पे कह ना ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन टू ए डी मुझे ये प्रमाण करने जाऊँ। ओके चलो देखिया प्रमाण पार्ट को डायरेक्टली चलो। ओके चलो कौन कौन करा पे प्रमाण करा मुझे कह त्रिभुज बर्तमान ए बी डी ओ त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज कौटे नेबी कहल पी सी डी बा पी डी सी रे पी डी सी रे त्रिभुज पी डी सी। ओके ना पी डी सी न लिखी ताको लिखा आम एम लिखा। ओके कौच ओके ए बी डी जाए पी सी डी रे देख दियो बी डी इज इक्वाल टू सी डी बी डी इज इक्वाल टू सी डी दत्त अच्छे रईट कहीं हूँ ए डी हूँ मध्यमा ये मुझे से लिखी ये दत्तर पार्ट। ओके देन ए डी इज इक्वाल देन तापर लिख ए डी बी एंगल ए डी बी इज इक्वाल टू पी डी सी रईट प्रतिपकोण जना अच्छे कौटा कौटा कहले बोले
ओके चलो देन तापर कथ हो कहीं कहल यहाँ हूँ एडी को डी दिगरे पी पर्यंत वर्धित कराई सच दैट कि एडी इज इक्वल टू डीपी ये आज लिखापी जब चाहते लिखीद ये खाली सिंपली सिंबलिकल लिखिदे ए डी पी मैंने हूँ एम हूँ गोटे रेखार अंश तीन टाइक गोटे रेखा खंड रेखा उपरिस्थ तीनो बिंदु ओके तो चलो देन तापर पार्ट को आस देन एडी इज इक्वल टू डीपी अंकन द्वारा राइट और रंग राइट ठीक अच्छे तो फिर ये आम कहीपर देआर फोर ठीक अच्छे देआर फोर कौन कहीपर ना त्रिभुज ए बी डी सर्वसम कंग्रुएंट टू त्रिभुज पी सी डी राइट सरला सर्वसम हो गला कौ आधार रहा ना साइड बा बाहू लिखी पार बाहू कोण बाहू राइट चलो देन जदि है तेरे अनुरूप बाहू मान भी सामान हम कौन हो ना ए बी इज इक्वल टू पी सी हो ना नहीं ठीक अच्छे ए बी इज इक्वल टू पी सी होगा ओके आउ किसी लिखा दरकार कर तो कोण गुड़ी अनुरूप कोण भी इक्वाल हेता किसी लिखा दरकार कर एक्चुअली प्रमाण हो सारी बर्तमान गोटे काम कर त्रिभुज ए पी सरी बी लिखिदेली ओके त्रिभुज ए पी सी रे एपीसी कौटा जान तो कौटा कहला एपीसी ए पी सी रे देख मु कहूँ प्लेन ए सी प्लस पी सी इज ग्रेटर देन एपी कहीं त्रिभुजर दुई बाहूर समष्टि तृतीय बाहू ठारु बृहत्तर राइट हाँ सर ठीक अच्छे तो अर एम्प्लाइज जो से लिखिपर ए सी प्लस इन प्लेस ऑफ पी सी जगह मुझे लिखिपर ए बी कहीं पूर्वर प्रमाणित हो सारी ए बी इज इक्वल टू पी सी करेक्ट ग्रेटर देन अच्छा एपी जगह लिखिदे हे ए डी प्लस डीपी एपीटा कौन ना सर ए टू डी प्लस हूँ डी टू पी ओके ये तो लिखिदे हे सर लिखिदे हे चलो और एम्प्लॉई ए सी प्लस ए बी राइट ग्रेटर देन ए डी प्लस डीपी जगह मुझे लिखिदे पारि ए डी प्लस ए डी कहीं डीपी इज इक्वाल टू ए डी डीपी इज इक्वाल टू ए डी अंकन द्वारा ठीक अच्छे चलो तो अर एम्प्लॉई ये कहीपर जे ए सी प्लस ए बी ग्रेटर देन टू टाइम्स ऑफ ए डी एडी एक्चुअली ए डी प्रमाणित ठीक अच्छे देखो सेकेंड पार्ट को प्रमाण करवा ना देखो पहले सुन सेकेंड पार्ट को जो प्रमाण कर कथा तो बुझीगला ना सेकेंड पार्ट को यार खाली एक्सटेंडेड वर्सन ये लाइनटा को मुझे छाड़ दे जाऊँ राइट ये पार्टा को ये मुझे रखीदे आउ बाकी पार्ट को इरेज कर तुम मन को कहूँ एक्चुअली कौन हम ठीक अच्छे कौन करवा तापर पार्ट देख तुम्हें ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन टू ए डी ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन टू ए डी ए डी को वर्धित कर राइट जदि खाली बुझेनि हाँ जदि गोटे काम कर केवल बुझेनि आ कि ना यहाँ हूँ मोर ए बी सी त्रिभुज टिके खाली कनसेंट्रेट करने चेस्टा कर मुझे ये बुझा पड़ ठीक अच्छे ना बर्तमान पे मोर थी कि ये हूँ ए ये हूँ बी बिंदु ये हूँ सी बिंदु थी बर्तमान बीई मध्यमा को नहीं आस ठीक अच्छे बर्तमान बीई मध्यमा को आण कौटा को आनली बीई मध्यमा को आनी रईट तो ई तो बर्तमान तुम्हें एटी प्रमाण करी मध्यमा हुए मो कथा शुण ए बी प्लस ए सी ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन टू बी प्रमाण कर ना ना केमी प्रमाण कर शुण केमी प्रमाण कर ना ये जो बीई को कते पर्यंत वर्धित कर सपोज आउ गोटे बिंदु पर्यंत ये के पी नहीं थी तो क्यू पर्यंत वर्धित कर दियो राइट ये तापर कौन कर पे ए क्यू को योग करदे शुण आराम से ओके
बर्तमान देख एक्जाक्टली ये जमीती मुझ प्रमाण करी ये जमीती मुझ प्रमाण करी एक्जाक्टली सेमती जब ये प्रमाण कर रईट आगो ये दुटा को ये मैंने दिज तो इक्वाल थे यहाँ या सहित तो इक्वाल ना नहीं ये दुईटी कौन हो प्रतिपकोण तो फिर ये जो ट्राएंगल अच्छी ए यहाँ कौन बिंदु नहीं इ ए क्यू कंग्रुएंट होती है बी सी तो फिर मुझे कहीपरि बी सी इज इक्वल टू ए क्यू बर्तमान त्रिभुज को कनसीडर करी ए बी क्यू त्रिभुज रे त्रिभुज ए बी क्यू रे राइट त्रिभुज ए बी क्यू रे ए बी प्लस ए क्यू इज इक्वल टू सॉरी इक्वल टू ना ग्रेटर देन राइट ग्रेटर देन ना ग्रेटर देन है जीवो बी क्यू तो बी तो फिर यहाँ को लिखिदे ए बी प्लस ए क्यू जगह लिखिदेव बी सी कहीं ये दुईटा त्रिभुज कंग्रुएंट है बा सर्वसम है मत मिल हूँ बी सी इज इक्वाल टू ए क्यू ए बी ग्रेटर देन है बी क्यू जगह लिखिदेव टू टाइम्स अफ बी कहीं बी क्यू हो पे बी प्लस इ क्यू आउ बी जोटा इ क्यू तो सहीटा आम से हिसाब से बढ़ाई ना ठीक अच्छे ना तो मिल जाए अच्छा सेकंड पार्ट मिल जाएगा तो यहाँ को ये मुझे लिखिदे पुणी थे यहाँ हूँ मोर इक्वेशन टू करदे इक्वेशन वन इक्वेशन वन राइट अच्छा इक्वेशन टू को कौन लिखा कौन लिखा कौन लिखा ये लिखिदे ठीक अच्छे यहाँ हूँ इक्वेशन टू बर्तमान देखीद ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन टू टाइम्स अफ बी राइट चलो जदि यह है आ गोटे पार्ट अच्छी आ गोटे पार्ट अच्छे रही था बुझीज तुम्हें कौन एक्चुअली कौच पुणी थे आ गए पार्ट्रे कौन कर ना पुणी गोटे अंकन करा कौन अंकन करा पे प्रथम गोटे काम कर त्रिभुज ए बी सी अंकन कर प्रथम त्रिभुज चलो ए मोटाटा हो गला चलो चलो देखा ए बी सी अंकन कर अच्छा ये नवनि आपट सैड बनवा कहीं यार आवश्यकता अच्छे ए सैड को बढ़ी आसो ना चलो देख कहीदे गोटे काम कर एडी बन राइट ए बी सी बन जो थी कहूँ सी हूँ तुम मध्यमा ठीक अच्छे ना जाणी हो ठीक अच्छे ओके यहाँ हूँ मोर ए बी सी सी नुह सी एफ हूँ मध्यमा राइट यहाँ हूँ एफ बिंदु तो मुझे कौन करी पे ना सी एफ को सपोज पी क्यू जाइए आर पर्यंत वर्धित कर ठीक अच्छे केत पर्यंत वर्धित कर ना आर पर्यंत वर्धित कर कौन वे वर्धित करवा ना सच दैट कि सी एफ ठीक अच्छे ना इज इक्वाल टू एफ आर ठीक अच्छे तापर गोटे कौन कौन कर पारे पे ना तापर सर आपको जॉइन करदे क्या जॉइन करदे देख तुम जो पट सैड को जॉइन कले भी चलो ए सैड को जॉइन कले भी चलो ए सैड को जॉइन कले भी चलो तो ये तुमको मिल पे कौन जान ये मिल एक्चुअली तुमको देख एस सी ओह ये ठीक है ना देखु कौच कौच गोटे सेकंड गोटे सेकंड ओके ये तुमको कौन मिल पे ना एस सी प्लस बी सी ग्रेटर देन टू टाइम्स अफ सी एफ यहाँ हूँ इक्वेशन थ्री बर्तमान वन टू आउ थ्री तीनो इक्वेशन को जो जोग करदेव ठीक अच्छे ना वन टू ओ थ्री को राइट जोग कले कौन मिल देख प्रथम वन कौन थी पे एस सी प्लस ए बी अच्छा वन लेफ्ट हैंड साइड को जो कली टू लेफ्ट हैंड साइड को नहीं आस प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस थ्री लेफ्ट हैंड साइड को नहीं आस थ्री लेफ्ट हैंड साइड ये लिखी एस सी प्लस बी सी ग्रेटर देन हो टू टाइम्स अफ ए डी वन राइट हैंड साइड प्लस टू टाइम्स अफ बी प्लस टू टाइम्स अफ सी एफ और एम्प्लाइजेस एगुड़ाक सब जो कले मत मिल टू इंटु टू टाइम्स अफ ए बी प्लस बी सी प्लस एस सी राइट या सब ए बी दुटा ए बी थी एसी दुईटी थी बी सी दुईटी थी तो टू टू टाइम्स अफ ए इज इक्वाल टू या टू कमन नहीं गलत हो सर ये इक्वाल नुह ग्रेटर देन है ग्रेटर देन ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ सॉरी सॉरी राइट सी एफ प्लस
सी एफ। ओके तो फिर बोथ साइड जो टू को कैंसिल कर देवी तो मत मिले के कह और एम प्लेज मिल ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन हो ए डी प्लस बी प्लस सी एफ प्रूफ सेकंड पार्ट रि पचार करेक्ट लेंदी अच्छी लेंदी अच्छे से आम कौन करूँ ना फास्ट पार्ट को प्रमाण कर सारापर सेकंड पार्ट आउ थर्ड पार्ट को एज युजुआल लिखिद खाली। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन देखीद। अच्छा 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 ये क्वेश्चन भी सेमती अच्छे क्वेश्चन गोटे पार्ट दुईटा तीन टा पार्ट बहुत गुड़ा पार्ट दे दीजिए। ओके देख से कहला त्रिभुज ए बी सी ओ हूँ एक अंतस्थ बिंदु। अच्छा तो फिर प्रथम गोटे ए बी सी त्रिभुज बना जाऊपर डिसाइड करा कौन करा ना केमी प्रूफ करा। चलो मोटाटा होगा हाँ चलो लेट इट ए बी सी गोटे त्रिभुज आग अंकन करागला। ओके चलो नेम इट एज ए दैट वन इज योर बी मैंने दैट वन इज योर सी ए बी सी त्रिभुज बर्तमान अंकन करागला। ओके अंकन कर सारापर कौन कह ओ हूँ यार गोटे अंतस्थ बिंदु सपोज यहाँ हूँ अंतस्थ बिंदु गोटे हूँ ओ ठीक अच्छे ना प्रमाण कर जाए बीओ प्लस सीओ। अच्छा दैट मीन बीओ मतलब ड्र करने पड़ो खाली कहीदेले हम दे बीओ एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करने पड़ो तो कंस्ट्रक्टन टाक मुझे रेड नहीं जाऊँगी यहाँ हूँ ओ बिंदु ये जो जगह छाड़ी मुझे यहाँ हूँ मोर ठीक अच्छे। ओके बर्तमान दे दि ये हूँ ओ बिंदु रईट मत प्रामाण्य पचारूँ ये हूँ प्रामाण्य पार्ट रईट प्रामाण्य से कहूँ जे बीओ प्लस सीओ लेस देन ए बी प्लस ए सी दैट मीन ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बीओ प्लस सीओ ए बी प्लस ए सी दुटार जो फल या बड़ हम। अच्छा 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 ठीक अच्छे ठीक अच्छे ये प्रमाण हो पार शुण ये कंस्ट्रक्शन अच्छी एक्चुअली अंकन अच्छे अंकन कौन करा पे ना बीओ को ठीक अच्छे ना डिटेल्स लिखिद ओ दिगरे ठीक अच्छे ना सपोज एम एम पर्यंत वर्धित कराऊ एवं एम एससी उपरिस्थ एक बिंदु एससी उपरिस्थ एक बिंदु ठीक अच्छे दैट मीन्स कौन कहली पे यहाँ हूँ मोर कंस्ट्रक्शन पार्टा ठीक अच्छे ठीक अच्छे। ओके देखी दियो कौन कले ये हूँ एम पॉइंट ठीक अच्छे चलो बुझा पड़ा अतिक चलो एबे प्रमाण हो किसी असुविधा ना। अच्छा देखो प्रमाण पार्ट को पलि आस प्रमाण लेपिले देखो प्रमाण त्रिभुज एम ओ सी पाक पलि आस त्रिभुज एम ओ सी रे ठीक अच्छे ना त्रिभुज एम ओ सी रे एम ओ प्लस सीओ ग्रेटर देन हो सी एम बाउलटा ताको लिखिबार एमती लिखिबार एम ओ प्लस सी एम ग्रेटर देन सीओ कौन लिखले कहल एम ओ प्लस सी एम एम ओ त्रिभुजर जेकोसी दुई बाहूर जगफल तृतीय बाहू ठार बृहत्तर सरला पुनः त्रिभुज आ गोटे नहीं जाओ ए बी एम रे ए बी एम रे ना सेम सिनेरियो आम लिखा एम सी एटी थी ना तो फिर ये कम करें ना हूँ बी एम प्लस ए एम लिखा ठीक अच्छे ना बी एम प्लस ए एम ग्रेटर देन ए बी हम ना ना देख तो ए बी एम त्रिभुज दुईटी बाहू गोटे हूँ एम बाहू अनदर वन हूँ तुम्हारे हूँ बी एम बाहू रईट ये जो बी एम बाहू ठीक अच्छे ना दुईटार बाहूर जगफल तृतीय बाहू ए बी टू निश्चित भाव बृहत्तर हम रईट एत कथ आमको जना अच्छे। ओके चलो देखा आम एत हिं लिखीचे बर्तमान गोटे कम कर ये दुटा को जोग कर दि यहाँ को वन करदे थाओ आ टू करदे थाओक्शन टू करदे थाओ तुम या जोग करना ना तो फिर लेफ्ट हैंड साइड सहित जो है राइट हैंड साइड जो और एम्प्लाइज ये मुझे एम ओ प्लस सी एम प्लस बी एम प्लस ए एम
ग्रेटर देन ही जीवो सीओ प्लस ए बी सीओ प्लस ए बी ओके ये टिके चेंज करिवार थिला जोंटा कि मु चेंज करी नाही बीएम प्लस ए बी बीएम प्लस ए बी ओके 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 आई गॉट इट इटा को चेंज कर दे थिले हि थंदा एमिति टिके चेंज रिक्वायरमेंट अछि चेंज रो रिक्वायरमेंट काहे कि अछि ताको मध्ये कहू छी मु एक्चुअली एडी चेंज रो आवश्यकता अछि काहे कि नहले समान बाहु मिलते मिलिबो नाही ठीक अछि सेति के प्रति ध्यान देबा उचित थिला त्रिभुज ए बी एम रे पिले मु लेखि परिबि ए बी प्लस ठीक अछि ना ए एम ग्रेटर देन बी एम मते एटा ही लेखिवार थिला देले चलिबो ए बी प्लस ए एम ग्रेटर देन होची बी एम ठीक अछि बर्तमान इक्वेशन वन आउ टू को जो कर दिया ठीक अच्छे ना गोटे काम कर देख एम ओ प्लस सी एम ठीक अच्छे प्लस ए बी प्लस ए एम ग्रेटर देन हो सीओ प्लस बी एम राइट हाँ एबी ठीक अच्छे चलो और एम्प्लाइज ए बी प्लस अच्छा देख ये गोटे काम करवा ए बी तो गला ए एम प्लस सी एम ये दुटा को आड कले ए एम आउ सी एम को आड कले मत मिले बोले एस सी मिले ना राइट और रंग ए एम प्लस सी एम दैट मीन मुझे दुटा जगह लिखिपर एस सी प्लस एम ओ राइट ग्रेटर देन हो सीओ प्लस अच्छा ये बी एम जगह लिखिदे हे पे बी ओ प्लस एम ओ चेक कल बी एम जगह बी ओ प्लस एम ओ लिखिदे हे ओके बोथ साइड रे एमओ जो हो सामान राशि जब बोथ साइड रे जो अच्छे आम कैनसल करदेपर दैट मीन और एम्प्लाइज से आम कहीपर ए बी प्लस एस सी ग्रेटर देन सीओ प्लस बीओ और एम्प्लाइज ताको उल्टे लिखिदि कहीं ये प्रमाण्य मत उल्टा ही ठीक अच्छे ना तो फिर मुझे लिखिदेपर बीओ प्लस सीओ लेस देन ए बी प्लस एस सी ठीक अच्छे ना बुझीगला तो जदि दुई युक्त तीन ग्रेटर देन है हूँ एक युक्त एक तो फिर मुझे कहीपरि एक युक्त एक हूँ ग्रेटर देन दुई युक्त ए लेस देन दुई युक्त तीन ठीक अच्छे ना ओके रेस्ट पार्ट जहाँ भी अच्छी ना पिले तो ए त्रिभुज को बर्तमान ए कौन करी मुझे ना ओ एम को ये दिगरे वर्धित करी बर्तमान तुम काम कर मैंने ओ बीओ को एम दिगरे वर्धित करी बर्तमान जो ये पार्ट को प्रूफ करने थे यपट को प्रूफ वर्धित कर आउ थरे का आउ कौन अच्छे बस आउ थरे ए दिग को वर्धित कर एपट ए साइड को नुह तो फिर तुमको ये पार्टा ही मिल जाव ठीक अच्छे बुझीगला ना मुझे कौन एग्जैक्टली ये भी हूँ सेम सेम सिनेरियो ये भी हूँ एग्जैक्टली सेम ये खाली एओ को जोग कर दियो ठीक अच्छे एओ को जोग कर दियो कहीं एओ कथा से पचारूँ ना ये आउ गोटे अच्छे एओ को जोग कर दियो तो या को भी एमती बढ़ेब तुमको सेम कनसेप्ट मिल ठीक अच्छे तो फिर रेस्ट जो दुईटा अच्छी डबल आउ ट्रिपल आई तुम ताको सॉल्व कर ठीक अच्छे हिंट तो देगली कौन सेकंड आउ थर्ड को प्रूफ करने सीओ को वर्धित कर गोटे पॉइंट जाए टच कर पुणी एओ को जोन कर पुणी एओ को ओ दिगरे वर्धित कर जमी से बी सी को गोटे आ गए कौन बिंदु छेद कर तेज तुम जहाँ रिक्वायरमेंट अच्छी तुम्हें पाइपर ओके चलो आ गोटे क्वेश्चन देखने नवा ठीक अच्छे ना आ गोटे क्वेश्चन को देखने नवा अच्छा अच्छा चलो चलो क्वेश्चन हाँ ठीक अच्छे पार्श्वस्थ चित्र ए बी सी ए बी ग्रेटर देन एस सी हूँ कहीं जे बी ओके आउ टे चित्र टे तौर नहीं आस ओके ए बी ग्रेटर देन एस सी ठीक अच्छे ए बी कौटा बोले ए बी ग्रेटर देन एस सी ओके करेक्ट ए डी इज इक्वाल टू एस सी हाँ बुझीगला ए डी इज इक्वाल टू एस सी ओके देन ए डी इज इक्वाल टू एस सी दैट मीन से दुटा इक्वाल अच्छे देन प्रमाण कर एस सी डी बुझे एस सी डी अच्छा एस सी डी ओके लुक एट द एस सी डी इज इक्वाल टू हाफ बी प्लस सी हाँ ओके हो पार गोटे पार्ट मुझे प्रूफ करदे आ गोटे पार्ट तुम निजे प्रूफ कर ओके चलो कंस्ट्रक्शन वगैरह ये किसी ना बिले सिंपल से कथ प्रामाण्य जहाँ अच्छे एति पर्यटन मुझे पहुँचगली अच्छा ये जो जहाँ लिखाई ना ए डी इज इक्वाल टू एस सी ए डी इज इक्वाल टू एस सी यार अर्थ कौन बुझ कहल एथर कौन एंगल क्या सहित इक्वाल हम कह ना ए सी डी कौन और एम्प्लाइज ये खाली लिखने वा कथा ए सी डी कौन ओके करेक्ट इज इक्वाल टू ए डी सी कौन
ବାସ୍ ଏତିକି ଖାଲି ଲେଖି ନେଇଥାଉ। ଏପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦାଟ୍ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏ ବି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଏସି ଥିଲା ନା, ଏ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ବି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଏସି ଥିଲା ନା, ତ ଏ ବିର ସମ୍ମୁଖୀନ କ'ଣ ହେଉଛି ଏସି ବି, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଜ୍ ଏ ବି, ଏଇଟା ଦତ୍ତ ପାର୍ଟ ରହିବା କଥା, ଏ ବି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଏସି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଏ ଏ ସି ବି କ'ଣ ମଷ୍ଟ ବି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଏସିର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ବି ସି କ'ଣ, ବାସ୍ ଏତିକି ଲେଖି ନେଇଥାଉ, ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା, ପ୍ରମାଣ କଲାବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ରାଇଟ୍। ଅଙ୍କନ ବଗେରା କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରମାଣ ପାଠକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଚାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଓକେ ଚଲ ଦେଖ। ପ୍ରମାଣ ଗୋଟେ କାମ କରିଲେ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡି ସିରେ ନା, ଆଗେ ଲେଖିନିଅ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡି ସିରେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, ଏ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏସ ସି, ସୋ ଦାଟ୍ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଏ ସି ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଡି ସି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦତ୍ତରେ ସେଠି ଯାହା ବୁଝୁଥିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଇ ଆସିଥିଲି ଏଠି, ଓକେ ଏଇଟା ଦତ୍ତ ଅଛି ତାପରେ ଅର୍ ଏମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦେଇକି ଏତିକି ଲେଖିଥାଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ କର, ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟୁକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, ମାତ୍ର ଟୁ ସପୋଜ୍ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ଅଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନା ଟୁ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ବି, ଲେଖିପାରିବି ନା ନାହିଁ, ଲେଖିପାରିବି, ଓକେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍। ଚଲ ତାକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ସେମିତି ହିଁ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ହିଁ କରିବା, ତେବେ ୟାକୁ ଲେଖିଦେବ ଟୁ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ସି ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଡି ସି, ରାଇଟ୍ ଅର୍ ରଙ୍ଗ ଅର୍ ଏମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟାକୁ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍କୁ ୟାକୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍କୁ ଲେଖ ବେଟର୍ ହେବ, ଟୁ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଡି ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ସି ଡି, ଓକେ ଚଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଏଇଠୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆଚ୍ଛା ଏ ଡି ସି ଜାଗାରେ ଟୁ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଡି ସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନା, ଏ ଡି ସି ଆଗେ ଲେଖିନିଏ ତାପରେ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଉଛି ଚିତ୍ରକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଏ ଡି ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ସି ଡି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଏ ଡି ସି କେଉଁଟା ଦେଖିଲ, ଏଇଟା ଏ ଗୋଟିଏ ଏ ଡି ସି ଜାଗାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ଡି ସିଟା ଏ ଯେଉଁ ଡି ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଁ ବହିଷ୍ଠ କ'ଣ, ସୋ ସେ ଡି ବି ସି ପ୍ଲସ୍ ବି ସି ଡି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କ'ଣର ସମଷ୍ଟି ୟା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବ ନା, ହେବ ନା ନାହିଁ, ହଁ ସାର୍ ହେବ, ଚଲ ଲେଖ, ଓକେ ଲେଖିନେବା ଉଚିତ, ଚଲ ତ ଫେରେ ଦେଖ ଏଇଠାକୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ଡି ସିକୁ ପ୍ରଥମ ଏ ଡି ସିକୁ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରଖିଥାଉ, ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଏ ଡି ସି ଜାଗାରେ ଲେଖିଦିଅ ଏଇ ଏଙ୍ଗେଲ୍ଟା ଜାଗାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦିଅ ଡି ବି ସି ପ୍ଲସ୍ ବି ସି ଡି, ଲେଖିହେବ ନା ନାହିଁ, ଲେଖିହେବ ଟି, ଓକେ। ତାପରେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଅର୍ ଏମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏ ଡି ସି ଜାଗାରେ ପିଲେ ଏ ସି ଡି ଲେଖିହେବ ନା, ଏ ଡି ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଡି ଏ ସି ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଡି ସି, ତ ଫେରେ ମୁଁ ଏ ଏ ଡି ସି ଜାଗାରେ ଏ ସି ଡି ଲେଖିଦେଲି, ରାଇଟ୍, ପ୍ଲସ୍ ବି ସି ଡିକୁ ତା ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏଠି ଲେଖିବାର ଥିଲା ଟୁ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ସି ଡି ଲେଖିନି ଆହୁରି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଓକେ। ଏ ଯେଉଁ ବି ସି ଡିକୁ ତା ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଲେଖି ଦେଖ ଡି ବି ସି, ରାଇଟ୍, ଡି ବି ସି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ସି ଡି, ରାଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଦୁଇଟା କ'ଣକୁ ଆଡ଼୍ କଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିବ କହିଲେ, ବୋଲେ ସି କ'ଣ ମିଳିବ ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅ, ଏ ସି ଡି ପ୍ଲସ୍ ବି ସି ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଙ୍ଗଲ୍ ସି, ତ ଏଠି ଲେଖିଦେଇ ହେବ ଏଙ୍ଗଲ୍ ସି ପ୍ଲସ୍, ଆଚ୍ଛା ଡି ବି ସି ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖି ହେବ, ଡି ବି ସି ଜାଗାରେ ସିମ୍ପଲି ଏଙ୍ଗଲ୍ ବି ଲେଖି ହେବ ନା, ଏଙ୍ଗଲ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ସି ଡି, ଅର୍ ଏମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏ ସି ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି, ରାଇଟ୍ ଅର୍ ରଙ୍ଗ, ୟାର ଅଧା ହେବ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଟୁ ଏମିତି ଲେଖିଥାନ୍ତି, ସେତିକି ଲେଖିବା ଯାଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଇନ୍ ଟୁ ଏଙ୍ଗଲ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏଙ୍ଗଲ୍ ସି ଲେଖିବା ଏକା କଥା, ଏ ସି ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେତିକି ପଚାରିଥିଲା ନା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ ବୁଝିଗଲା। ତ ବି ସି ଡି କେସେସ୍ରେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ବହିଷ୍ଠ କ'ଣ ନେଇଯିବ, ଥୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯିବ, ରାଇଟ୍, ଆଉ ମାଇନସ୍ ହିଁ କରିବାର ଅଛି, ସି ମାଇନସ୍ ବିର ହାଫ୍ ହେବ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି, ଓକେ ଚଲ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ଫର୍ ଦି ଡେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଗଲା ରିମେନିଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ଦେଖିବା, ବାକି ସ୍କିପ୍ କରି ଗୋଟିଏ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ ଇଭିନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି, କାହିଁକି ନା ଇଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟ ତାକୁ ତିନିଟା ଚାରିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 ଏଲୋନ୍ ନୁହଁ,
थर्टीन एक्चुअली दुईटा क्वेश्चन अच्छी, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तुम पाखापाखि तीनटा क्वेश्चन था, तीनटा क्वेश्चन था, तो प्रत्येक सबसेक्शन रही जाए राइट। तो फिर मतलब गोटे पार्ट गोटे स्किप करने पड़ो, अदरवाइज बहुत लेंथी हो ठीक है। और तुम मानक तो बुझी आसो, तो फिर तपर पार्ट सल्व कर दे। ओके, थैंक यू, थैंक यू फॉर द डे, हैव अ ग्रेट डे।